बचपन से मुझे सिर्फ तीन ही फल पसंद है, संतरा संतरा संतरा, क्योंकि इसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि फलों के राजा आम में भी नहीं। और जब से कोरोना हुआ है और जब से मुझे पता चला है कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है, उसके बाद से तो मेरी नजरों में संतरे की इज्जत और बढ़ गई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संतरे की खेती की पूरी कहानी। तो कमर में बांध लीजिए अपने खेती के सामान को और चलिए हमारे साथ संतरे के खेत पर। संतरे की खेती की शुरुआत होती है गर्मी के जून जुलाई और ठंड के समय में फरवरी से लेकर मार्च के महीने में। इसके बगीचे के लिए मिट्टी तैयार करने से, जिसके लिए सबसे पहले बगीचे को एक एडवांस ट्रैक्टर की मदद से अच्छे से जोत लिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं अपने रिवीजन के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप हर गली मोहल्ले में इसकी खेती नहीं कर सकते। इस संतरे की खेती के लिए उसके मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए और वहाँ का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खेती के लिए बगीचा तैयार हो जाने के बाद बारी आती है इनके छोटे छोटे पौधों को मंगवा कर उसे रोपने की, जिसमें सबसे फेमस नागपुरी पौधा होता है और इसके एक पौधे की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच होती है, जिसे किसान भाई अपना खून पसीना एक एक करके अपने हाथों की मदद से ही रोपते हैं। और हर पौधे के बीच में कम से कम 6 से 8 फीट का गैप रखा जाता है। खेत की जुताई और रोपाई के बाद किसान भाई कुछ दिनों का इंतजार करते हैं और पौधे अच्छे से लग जाते हैं तो सबसे पहले किसान इस बगीचे में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और उस खाद के अच्छे से इस्तेमाल हो जाने के बाद पौधे को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग टाइप की दवाइयां और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पौधे पर फल आने से पहले ही वो खराब ना हो जाए और फल आने के बाद भी एकदम चकाचक रहे। इसी बीच किसान पौधों को और मजबूत बनाने के लिए उसमें टाइम टू टाइम पानी और बाकी चीजों को डालते रहते हैं। और ऐसा करते करते जब करीब 4 साल बीत जाते हैं, जी हाँ सही सुना आपने, 4 साल, और तब कहीं जाकर इस पौधे पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। पहला जब इनमें फूल आना शुरू हो जाता है तब किसान इन पौधों पर एक ऐसा स्प्रे करते हैं जिससे कि इस पर ढेर सारी मधुमक्खियां आनी शुरू हो जाती है और फूल के साथ परागण करती हैं, जिससे पौधे पर लगा फूल मजबूत हो जाता है। फूल आने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी होती है और दिमाग में नए काम की चिंता भी, क्योंकि उन्हें इन फूलों की देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करनी होती है ताकि ये टूट ना जाए और ना ही मुरझा जाए। यही फूल जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये सबसे छोटे गोल गोल और हरे हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता चला जाता है और ये भगवा कलर के हो जाते हैं। तब इन्हें पका हुआ मान लिया जाता है और आराम से हाथों से ही तोड़ लिया जाता है और फिर उनको ट्रकों पर लोड करके भेज दिया जाता है बाजार में, जहां से आप इसे खरीद कर खाते हैं और मस्त हो जाते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।